गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। और आज हम फिर से वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं आज की न्यूज़पेपर यानी 27 जुलाई के न्यूज़पेपर से हम पांच इम्पॉर्टेंट जो हैं वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं वो लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड जो है आज का वो है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है रिज़ल्ट किसी चीज़ का, परिणाम, कुछ आपने किया था आज उसका रिज़ल्ट आ गया है। कोई भी एक्ट आपने किया था आज फाइनली जो है रिज़ल्ट आ गया है। हम क्योंकि कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद होता है, कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोई उम्मीद रखते हैं कि इसके बदले में शायद ये चीज़ हो जाएगी। तो वो रिज़ल्ट फाइनली जब आपको मिलता है किसी भी चीज़ का, उसे हम फॉल आउट कहते हैं। फॉल आउट का मतलब होता है नतीजा, परिणाम, प्रभाव। सिनोनियम्स अगर हम देखें तो इसके सिनोनियम्स होते हैं इफ़ेक्ट, रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट, आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ भी एक अच्छा जो है सिनोनियम है। देन एंटोनियम इसके होते हैं कॉज, कंसिडरेशन, फैक्टर, ओरिजिन। इन सब का मतलब होता है कारण, वजह, उत्पत्ति। यानी रिज़ल्ट आ गया है तो उल्टा इसका होगा कि क्या वजह रही, रिज़ल्ट फाइनल है, उत्पत्ति या कारण या वजह होगी कि किस कारण से आपने किया। तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि गवर्नेंस सिस्टम एट ऑल द लेवल दैट इज़ ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल हैव एक्सपीरियंस स्ट्रेस एज अ फॉल आउट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। कि कहता है कि गवर्नेंस सिस्टम कहीं भी आप देख लो, चाहे वो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें, चाहे वो आप नेशनल लेवल पर देखें या चाहे आप वो ग्लोबल लेवल पर भी देखेंगे, तो हर जगह पर मतलब एक गिरावट देखने को मिली है। किस की वजह से, किस फॉल आउट की वजह से, एज अ फॉल आउट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। यानी पैंडेमिक का नतीजा जो है उसकी वजह से, पूरे ग्लोब में आप गवर्नेंस देखोगे तो उसमें एक स्ट्रेस फील किया गया है। नतीजा के कौन है, वजह कौन है, COVID-19 पैंडेमिक। दूसरा जो वर्ड है आज का वो है राइफ। राइफ होता है अचानक से किसी चीज़ में बढ़ोतरी देखना, कोई चीज़ बढ़ जाना, कोई चीज़ फैल जाना, मतलब कोई चीज़ जो है बढ़ जानी, चाहे वो टेंशन बढ़ जाए तो उसे भी हम राइफ कहेंगे, चाहे वो खुशी एक जो है वो उसका लेवल बढ़ जाए तो उसे भी हम राइफ कहेंगे। सिनोनियम होते हैं इसके प्रेवलेंट, वाइड स्प्रेड, रैम्पेंट, जनरल आर प्रिवेलिंग। और एंटोनियम इसके उल्टे हो जाएंगे जिनका मतलब होगा कम होने वाली। मीन्स अगर राइफ का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ जाना, किसी चीज़ का लेवल बढ़ जाना, तो एंटोनिम्स के वो होंगे जिसमें लेवल कम हो जाए, जैसे कि स्केयर, रेयर, एक्सटिंक्ट, इनफ्रीक्वेंट। तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना हो तो हम कहेंगे कि द टेंशन हैज़ बीन रीफ बिटवीन द टू लीडर आफ्टर मिस्टर पायलट वाज रेपिटेडली डिनार्ड द CM पोस्ट आफ्टर द December 2018 असेंबली इलेक्शन। तो टेंशन जो है वो दो लीडर के बीच में वो राइफ हो गई है, बढ़ रही है, बढ़ गई है या बढ़ती जा रही है। कब? जब मिस्टर पायलट ने जो है CM पोस्ट को डिनाई कर दिया था, जब 2018 के इलेक्शन जो हुए थे उसके बाद। आपको पता है कि सचिन पायलट को एक बहुत ही मतलब कि दावेदार माना जा रहा था, बड़ा दावेदार माना जा रहा था CM पोस्ट के लिए, लेकिन तब उन्होंने CM पोस्ट को ठुकरा दिया था। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं CM नहीं बनूंगा। तब से ही कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही थी कांग्रेस के अंदर ही, जो कि आज शायद एक बड़ा रूप लेकर निकली है। थर्ड वर्ड होता है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है अपराधी, ठीक है, कोई चीज़ क्रिमिनल हम कह सकते हैं। तो अपराध सिद्धि, अपराधी ठहराया जाना, ठीक है, मतलब कि अपराधी तो था ही, अब उसका अपराध जो है वो साबित भी हो गया है, मतलब कि अब वो पक्का अपराधी हो गया भाई, खाली इल्ज़ाम नहीं। एक तो होता है एक्यूज़। एक्यूज़ होता है कि जिसके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम होता है, वो साबित नहीं होता, लेकिन कन्विक्शन हो गया जो कि साबित भी हो चुका है कि भाई ये अपराधी है। तो अपराधी साबित हो जाना, उसे हम कहेंगे कन्विक्शन। सिनोनियम्स हो गए सेंटेंस, जजमेंट, वर्डिक्ट, डिसीजन और पनिशमेंट। एंटोनियम्स हो गए इसके उल्टे, जैसे कि साथ देने वाले वर्ड जो होंगे, जो समर्थन देने के साथ के रिलेटेड वर्ड्स हैं वो इसके एंटोनियम्स में आ जाएंगे, जैसे कि सपोर्ट है, फेवर है, सिंपथी है, विंडिकेशन है, ये सारे इसके
एंटोनियम्स आएंगे जिनका मतलब होगा साथ देना या समर्थन देना। तो अगर सेंटेंस के तौर पर यूज करना तो हम कहेंगे कि कन्विक्शन ऑफ पुलिस फॉर पासिंग ऑफ मर्डर्स एज इनकाउंटर इज वेलकम दो डिलेड। तो कहता है कि जो अपराधी को पुलिस ने मर्डर की जगह जो है इनकाउंटर करके मार दिया तो वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है, लेकिन देर बाद होना जो है वो भी एक हम कह सकते हैं कि दुख ही है, क्योंकि जो चीज़ काम पर हो जाए वो तो तभी जो है अच्छा रहता है, क्योंकि कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, यानी जो जस्टिस अगर आपको वक्त रहते ना मिल सके तो वो जस्टिस जो है वो जस्टिस नहीं है, इसका मतलब कि आपको जस्टिस मिली ही नहीं है। तो मर्डर को मर्डर की जगह इनकाउंटर कर दिया पुलिस वाले ने, किसका किया आप सब जानते हैं, अभी विकास दुबे जी का, हमारे बहुत ही बड़े गुंडे टाइप के बंदे थे जो, तो उनका जो था इनकाउंटर कर दिया। तो कहा कि ये चीज़ तो अच्छी है, कन्विक्शन मतलब अपराधी ठहराने के बाद उसका इनकाउंटर कर दिया, अच्छी बात तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसने 8 बंदे पुलिस के मार दिए पहले, उससे पहले भी उस पर शायद 46 से 50 तक जो थे वो केसेस चल रहे थे, तो उनको तो मतलब जस्टिस नहीं मिल सकी, उनके तो परिवार वालों ने उनको खो ही दिया, तो कहीं ना कहीं एक डिलेड स्टेप भी था। नेक्स्ट वर्ड है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, यानी आप कोई भी एक्ट करते हो आपके अंदर उसको, चाहे वो एक्ट सही जाए चाहे वो एक्ट गलत जाए, आपकी जिम्मेदारी लेने का आपको होना चाहिए कि आप उस चीज़ की जिम्मेदारी ले सकें, यानी सरकार कोई भी कदम उठा रही है, कोई भी मान लीजिए स्कीम सरकार ने लाई तो अगर वो अच्छी जा रही है तो फिर तो वो क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन अगर सर स्कीम फेल हो गई तो उसकी जवाबदेही लेना भी, अकाउंटेबिलिटी लेना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सिनोनिम्स आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, आंसरेबिलिटी, आंसरेबलनेस, लेक्सिकॉन, रिपोर्टिंग और ओबीडियंस, ये सारे अकाउंटेबिलिटी के सिनोनिम्स हैं, और एंटोनिम्स में हो गया बिल्कुल उल्टा इसका, यानी यहाँ पर आपको जवाबदेही करनी है तो दूसरी जगह कि आपको कोई जवाब देना ही नहीं, किसी को चुप जाओ, मुक्ति, छुटकारा किसी चीज़ से, जिसमें एंटोनिम्स आएंगे रिडेम्पशन, लिबरेशन, रिलीज, रिलीफ, डिसएंगेजमेंट, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनियम्स में आ जाएंगे। तो अकाउंटेबिलिटी का अगर हमें सेंटेंस देखना है तो हम कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर एसेंशियल टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, यानी जो चीज़ कर रहे हैं वो सबको दिखाओ, सामने से छुपाओ कुछ मत, सब कुछ सबको दिखाओ, हमने ये किया है, हमने ये किया है, किस तरह से किया है सब कुछ बताइए, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, वही बात है, कुछ गलत है तो उसकी जवाबदेही भी, उसकी जिम्मेदारी भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेना हो, ये उसके एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए। कौन से? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताया कि कुछ भी आप कर रहे हो सब कुछ सबके सामने होना चाहिए, कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। आखिरी वर्ड जो आज का पांचवा और आखिरी वर्ड है वो है लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है दुख जाहिर करना, किसी के आगे शोक प्रकट करना, रोना या विलाप करना, मीन्स आप कह सकते हैं कि शोक जाहिर करना सबसे एक अच्छा वर्ड इसके लिए लिया जाएगा। किसी भी बात का दुख है, किसी की बात का शोक है, किसी के आगे शोक प्रकट करना, दैट इज लैमेंट। सिनोनिम्स हो गए मौन, ग्रीव, रिपाइन, कंडोल, बिमाउन, डिप्लोर आर क्राई, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स। और एंटोनियम इसके बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे खुश होना, जैसे कि रिजॉइस, सेलिब्रेट, ग्रैटफी, चीयर, ये सारे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। और लैमेंट का अगर हमने यूज़ करना है सेंटेंस के तौर पर तो हम कहेंगे कि हर ग्रैंड मदर एज यूजुअल लेमेंटेड द डिक्लाइन इन द मोरल वैल्यू इन द टूडेज मॉडर्न सोसाइटी। तो वही बात है कि ग्रैंड मदर थी किसी की, उसकी डेथ होगी तो डेथ के बाद वही बात है कि दुख इसी बात का है कि उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ थी आज के ज़माने में भी जो है, वैल्यूज़ तो उसकी काफ़ी थी लेकिन आज के ज़माने में उन वैल्यूज़ को निगलेक्ट किया जा रहा है, माना नहीं जा रहा है, तो इस बात का ही दुख है। तो आज के यही 5 वर्ड थे, आई होप आपने कुछ सीखा होगा, आने वाले वक्त में हम और अच्छे
अच्छे से अच्छे वर्ड्स जो हैं वो आपके लिए लाएंगे, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को भी बढ़ाएंगे, और दूसरा वो आपको एग्जामिनेशंस में जब आप इंग्लिश ग्रामर्स जो हैं वो अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, करेक्शंस वगैरह इसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो बने रहिएगा आने वाले टाइम में हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छे लगे, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।